साइंस टेक्नोलॉजी में हम यह बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट और सेक्टर कर रहे हैं और अभी तक के पी में आपको समझ में आ रहा होगा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है यह क्वेश्चन दो का वैसे यह बायोडर्सिटी और एनवायरमेंट से ओवरलैप होता है बट यहां यह क्वेश्चन सिमिलर है इसलिए रखा गया ड्यू टू सम रीजन इफ देयर इज एज फॉल पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाईज ठीक है वट कुनेशन ऑफ सम प्लांट कुछ एडवर्सलीफेक्ट हो सकता है परागन अगर यह डायग्राम आपको पता है तो पॉलिनेशन में वो कैसे रोल प्ले करती है हम बेसिक साइंस में पढ़ते हैं हो सकता है यह हो सकता है वन ये नहीं ये और ये कुड भी ड्रास्टिक इंक्रीज अब यहां इंक्रीज भी होता इन फंगल इंफेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट्स अगर यहां इंक्रीज होता तो आप कंफ्यूजन हो भी सकता था ड्रास्टिक वर्ड है और मधुमक्खियों के इस पॉल्यूशन से फंगल और इंफेक्शन से ड्रास्टिक इंक्रीज हो गया कि ये क्वेश्चन है इस पर सोचिएट कुशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ वास्ट स्पाइडर एंड बर्ड्स कैसे परागण और इनके लिए जो वह फल फ्रूट्स चाहिए तो एक वो फूड चेन कैसे नष्ट होगी तो जो उन पर डिपेंडेंट है तो उसके कारण यह होंगे, यह होंगे हो सकता है तो आंसर सी या डी पर अगर आप ड्रास्टिक पर सोच लेंगे तो कहेंगे कि यह हटेगा और जो ही हटेगा आंसर आपका आएगा सी इस तरह आपको क्वेश्चन करना है नेक्स्ट क्वेश्चन रेफरेंस टू बायोटॉइलेट्स यूज बाई द इंडियन रेलवे स्टेटमेंट आज की डेट में जब आप दो हजार बाईस तेईस में अपियर होंगे तो यह क्वेश्चन आपको नहीं करना है बट इस क्वेश्चन से आपको समझना है कि इस तरह की बायोटेक्नोलॉजी इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी आती है तो यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है फॉर एग्जाम्पल अभी ह्यूमन और ह्यूमन हर्ट की जगह पिग का हर्ट रिप्लेस किया गया है तो उसके कॉन्टेक्स में ह्यूमन हर्ट का स्ट्रक्चर पिक के हर्ट का स्ट्रक्चर उस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा और इसी कंटेक्ट में अगर कोई और टेक्नोलॉजी आती है आपके पॉल्यूशन जो है उसको कम करने के लिए जैसे अभी आपके कैसे बैक्टीरिया यूज हो रहे हैं आर्ट के रिस्टोरेशन तो वो बैक्टीरिया क्या है तो उस तरह की न्यूज आपको पढ़नी है वह है यह क्वेश्चन आपको बता रहा है ऑप्शन है इन दायोटोलेट्स आर इनिशियड बाई फंगल इनो क्यूलम यह है जो है फंगल से परंतु यहां पर है बैक्टीरिया जो एनर्बिक कंडीशन में जो है डिस्पोज करता है फट जाएगा अब यहां पर याद यूपीएस कैसे आपको पूछ रहा है फिर है अमोनिया एंड वाटर वेपर आर दी ओनली एंड प्रोडक्ट्स इन दिस डिकम्पोजिशन विच आर रिलीज इन टू दी एटमोसफेयर यहां पर अमोनिया जो है जो है गैसेस होती है ट्रेस मात्रा में पर तो वहां अमोनिया नहीं तो वहां पर इस तरह जब क्वेश्चन पूछ रहा था कैसे यूपीएस उसको पिकअप कर रहा है जब आप न्यूज बढ़ रहे हैं तो वो आपको क्या पिकअप करना है जिससे क्वेश्चन हो जाएगा वो ये क्वेश्चन बताएंगे अब ये क्वेश्चन यूपीएससी रिपीट नहीं करेगा पर इस थिंकिंग से आप जब करंट की कोई न्यूज पढ़ रहे हैं तो कैसे लेंगे वह आपको देखना है इसका आंसर है डी नन अब क्वेश्चन यूपीएससी रिपीट नहीं करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2021 का इक्कीस द फॉलोइंग बैक्टीरिया फंगाई वायरस विच ऑफ दी कल्चरिज्म किसमें होता है वायरस लिविंग नॉन लिविंग के बीच की कड़ी अब जब ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है खुद का मेटाबॉलिज्म नहीं है तो क्या आप कल्चर कर सकते हो नहीं हटाओ जो ही हटाओगे आपके पास आंसर होगा ए वन एंड टू वन एंड टू अब आप किस तरह एलिमिनेट करते हो उस बेसिस पर आपका आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यह भी रिसेंट का क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन फॉलोइंग स्टेटमेंट रिकॉम्बिनेंटर वैक्टर वैक्सीन क्या है इसमें वैक्टर के द्वारा आपका जो वीकेंडेन जो है पैतजन शरीर में इंसर्ट करवाया जाता है ताकि आपके शरीर की इम्यूनिटी को विकसित किया जा सके अब वो अटेन्यूटेड जो है वीकेंड है तो उसमें आप क्या कर सकते हो उसकी सिक्वेंसिंग को चेंज करवा सकते हो ताकि आपके शरीर को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए ऑप्शन है जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन दफ दीज वैक्सीन यस बैक्टीरिया एंड वायरस कैन बी यूज एज यस यह आपका न्यूज में था और न्यूज में जब चल रहा था तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा इसके जेनेटिक इंजीनियरिंग इसका आइसोलेशन किया जाता है फिर कैसे इसमें जो है चेंजेस करवा के आपके शरीर में इंसर्ट करवाया जाता है यह है न्यूज में था और न्यूज में था तो यूपीएससी ने यह क्वेश्चन पूछ लिया इसका आंसर है सी कोविड के में, न्यूज में था परंतु अगर हम पास्ट क्वेश्चन देखें तभी हमें पास्ट में भी था अब इसमें क्या कंटेक्स में जीनोम सिक्वेंसिंग पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है ऑप्शन देखिए विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया हाउ कैन टेक्निक्स ऑफ जीनोम सिक्वेंसिंग सीन इन द न्यूज बी यूज इन दी

तो आप कैसे रेफरेंस से सोच कर आंसर कर सकते हैं सही फिर वन सही है तो आंसर ए सी या डी सेकंड है दिस टेक्निक इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट अगर आपने जीनोम सिक्वेंसिंग को आइडेंटिफाई कर लिया तो यू नो द कंप्लीट सिक्वेंसिंग जब कंप्लीट सिक्वेंसिंग है तो उसका प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन क्या होगा आप जानते हो अगर वह जानती हो तो आपका जो रिसर्च में जो टाइम लग रहा है वह भी क्या होगा कम होगा हो सकता है अब इसको यह भी सोचो ना अगर किसी के बारे में आपको कंप्लीट डिकोडिंग पता है यूपीएससी का आपको कंप्लीट डिकोड पता है उसका थॉट प्रोसेस पता है अगर वह आप थॉट प्रोसेस सीख लोगे तो आपका निकालना एग्जाम क्या होगा आसान तो उसी थिंकिंग को यहां अप्लाई करो फिर है इट कैन बी यूज टू डिसाइफर द होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप इन द क्रॉप जीनोम सिक्वेंसिंग अब इसके कंटेक्स में अगर आपने यहां पर वन एंड टू कर लिया है तो थ्री अगर नहीं भी आता तो आप आंसर कर ले जाओगे वन टू थ्री सिक्वेंसिंग है तो होस्ट पैथोजन रिलेशन क्या है उनके जीन कैसे इंटरेक्ट करते हैं आप पता लगा सकते हो और वैसे आपको थर्ड नहीं भी आ रहा है वन एंड टू से आप आंसर कर सकते हो इन सेंस आप कॉमन सेंस से टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है उसको जो है जोड़कर आंसर

स्किल जो है और ज्यादा एनहेंस होगा और वही प्रलिम्स के लिए एक तरीका है प्रलिम्स की जो चुनौती है उसको निकालने का सो so, आजकल इतना ही लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो डेली यह पांच बजे जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं डेली पांच बजे ये लाइव जा रहा है आप देख सकते हैं थैंक यू